Hello students, in last lecture we have done exercise 4.2 and today we will start exercise 4.3 of chapter number 4. And here the method which we will learn is completing square method to find the roots of a quadratic equation. Last exercise mein humne kiya tha factorization method. Humne factorization method means middle term separating method ko use karke humne quadratic equations ke roots find kiye the. Is exercise mein humne second method seekhna hai, completing square method. तो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड को यूज करके हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसमें से एक्स की वैल्यूज निकालनी है. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है तो मैंने इस मेथड के कुछ स्टेप्स बनाए हैं. पहले मैं वो स्टेप्स आपको बताऊंगी कि हमने कैसे कैसे फॉलो करना है, फिर उन्हीं स्टेप्स को लेकर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो हेयर स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर मेथड. हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दी जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिवाइड द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर. मतलब एक्स स्केयर के साथ जो भी नंबर होगा हमने अपनी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देना. मतलब अगर यहाँ पे 4x स्केयर है तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे. अगर यहाँ पे 2x स्केयर है तो पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा. सेकेंड, मूव द कॉन्स्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड मार्क दिस इक्वेशन एज नंबर 1. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करने के बाद जो भी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म बनेगी उसे हमने शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे, और वो जो इक्वेशन बनेगी उसे हमने नंबर 1 मार्क कर देना. थर्ड, टेक द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड इट बाय 2. हमने एक्स का कोफिशियंट देखना है, जो भी एक्स के साथ नंबर बनेगा उसे लेना है, उसे डिवाइड करना है 2 के साथ. मतलब उसका हाफ कर देना, हमने हाफ करने के बाद उसका स्केयर कर देना. मतलब जो भी x के साथ वैल्यू होगी उसका हाफ करके उसका स्केयर करना है, और वो जो एक नंबर बनेगा वो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी होगी उसमें दोनों साइड हम ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंपेयर करना है. या तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, या हमारे पास इस फॉर्म में होगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर. अगर तो ये फॉर्म बनी हुई तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे a प्लस बी होल स्केयर में, और अगर हमारे पास इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वेशन की तो हम उसमें a माइनस बी होल स्केयर यूज कर देंगे. आफ्टर दैट, इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली स्टेप बाय स्टेप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व करना शुरू कर देना. नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट. हियर इज द एक्सरसाइज 4.3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर. हमने नीचे इक्वेशंस जो हमें चार दी गई हैं इन्हें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर इफ दे एग्जिस्ट. अब अगर इन इक्वेशंस के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने कंप्लीटिंग स्केयर से इनको सॉल्व करना है. अब रूट्स कौन से एग्जिस्ट होंगे, जिसमें एक्स की वैल्यूज रियल वैल्यूज होंगी, देन वी विल से रूट्स विल एग्जिस्ट. अगर एक्स की वैल्यूज रियल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करते. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. तो अब जो मैंने स्टेप्स लिखे थे हम उन्हें फॉलो कर करके इसे स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, हियर इज द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड द इक्वेशन बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हमने इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के साथ डिवाइड करना है. सी, अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 2. दैट मीन्स हमने अपनी पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करना है. सो डिवाइड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड में हमने डिवाइड कर देना इक्वेशन को. हमारे पास इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा. बेसिकली डिवाइड करने का पर्पज यही होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए. तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम उसे कोफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. अगर 1 दिया होगा तो ये स्टेप हम स्किप करेंगे, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैं स्टेप्स मेंशन कर रही हूँ. स्टेप फर्स्ट हमने कर लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ सेकेंड स्टेप वाज मूव कॉन्स्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या करना है,
हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू. दिस इज द इक्वेशन आफ्टर डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब उसके बाद हमारे पास स्टेप टू क्या है कि हमने स्टेप टू में अपनी इक्वेशन की जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना. तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स इज इक्वल टू, अब थ्री बाय टू इसे शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम नेगेटिव माइनस थ्री बाय टू, और इस इक्वेशन को नंबर वन हमने मार्क कर देना. सेकेंड स्टेप वी हैव डन. व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप वाज टेक कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट देखना है अब हमने, डिवाइड इट बाय टू, इसे टू के साथ डिवाइड करना है, देन स्क्वायर इट. द कोफिशियंट ऑफ एक्स, हमारे इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट क्या है, अब सेवन बाय टू, हमने इसको टू से डिवाइड मतलब इसका हाफ करना है और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना. सो लेट अस सी कोफिशियंट ऑफ एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई और उसके बाद उसका होल स्क्वायर. नाउ एक्स का कोफिशियंट मेरे पास है माइनस सेवन बाय टू, माइनस सेवन बाय टू इसे हाफ के साथ मल्टीप्लाई देन इट स्क्वायर, सो इट इज माइनस सेवन बाय फोर होल स्क्वायर. हम अभी नंबर का स्केयर नहीं करेंगे, हाँ नेगेटिव साइन है इसका स्केयर करके इसे हम पॉजिटिव बना देंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस का स्केयर हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा तो इसका नेगेटिव साइन हम खत्म कर सकते हैं. तो इसको हम आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे. उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में क्या था, दिस इज द स्टेप थर्ड, तीसरा स्टेप है. तो इसमें और क्या करना है हमने, हमारे पास है कि हमने एक्स का कोफिशियंट लेना है, उसे डिवाइड करना है टू के साथ, देन स्केयर इट, एड दिस रिजल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन. अब जो हमारे पास रिजल्ट बना, हमारे पास रिजल्ट क्या बना, सेवन बाय फोर होल स्केयर. अब सेवन बाय फोर होल स्केयर को हमने हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जिसे नाम दिया है उसके दोनों साइड प्लस कर देना. नाउ एडिंग सेवन बाय फोर होल स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन, क्या बनेगा हमारे पास, दिस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स, इधर भी हमने सेवन बाय फोर होल स्क्वायर प्लस कर देना और दूसरी साइड भी, दूसरी साइड हमारे पास क्या था माइनस थ्री बाय टू, और उसमें भी हमने सेवन प्लस फोर होल स्क्वायर को ऐड कर दिया. क्या किया मैंने अभी तक, हमने जो किया मैं एक बार स्टेप रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने अपनी पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के साथ डिवाइड कर दिया, टू एक्स स्क्वायर को एक्स के टू के साथ किया, सेवन एक्स को टू के साथ कर दिया और थ्री को भी टू के साथ कर दिया. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन बना लिया, यहाँ पे माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू. सेकेंड स्टेप क्या था कि मैंने अपनी कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाना था, थ्री बाय टू इधर पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके नेगेटिव बन गया. थर्ड स्टेप में क्या है, अब जो एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट है हमारे पास माइनस सेवन बाय टू, उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया देन इसका स्क्वायर, मेरा माइनस सेवन बाय टू मल्टीप्लाई बाय हाफ इट्स स्क्वायर, तो मेरे पास बन गया माइनस सेवन बाय फोर होल स्क्वायर. माइनस का मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि माइनस को हम नहीं साथ में लेके चल रहे हैं, इससे थोड़ा कंफ्यूजन भी कम होगी. तो माइनस को मैंने स्क्वायर करके वो प्लस बन गया, तो नंबर को मैंने एज इट इज होल स्क्वायर की फॉर्म में रखा. अब ये जो रिजल्ट है इसे मैंने अपनी इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, जिसकी दोनों साइड पे मैंने सेवन बाय फोर होल स्क्वायर एड कर दिया. अब व्हाट वाज आर नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद ये हमारा थर्ड स्टेप यहां तक कंप्लीट है. नाउ नेक्स्ट स्टेप फोर, स्टेप फोर हमारा क्या था, स्टेप फोर वाज कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड बाय एनी वन ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बनी होगी हमारे पास, हमने कंपेयर करना है. अगर ये फॉर्म है तो हमने इसके इक्वल लिख देना, अगर ये फॉर्म है तो इसे इसके इक्वल लिख देना. अब हम अपनी टर्म कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या है एक्स के माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस सेवन बाय फोर होल स्केयर, तो दैट मीन्स मेरे पास ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, हमारे पास ये वाली फॉर्म है क्योंकि नेगेटिव बीच में नेगेटिव साइन होगा तो ऑब्वियसली ये वाली फॉर्म होगी. अगर पॉजिटिव सभी टर्म्स पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ए प्लस ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर होगा. अब ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर मैंने इसे कंपेयर किया तो इसे मैंने ए माइनस बी होल स्केयर में कन्वर्ट करना है. अब कैसे, अब लेफ्ट हैंड साइड है कंपेयरिंग
लेफ्ट हैंड साइड बाय, अब क्योंकि बीच में नेगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। मतलब कि ये फॉर्म हमारे पास बनी हुई है, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट टर्म में से ए निकलेगा और थर्ड टर्म में से बी निकलेगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, तो दैट मीन्स ए मेरे पास एक्स है, और थर्ड टर्म बी स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, सेवन बाय फोर। मतलब ए मेरे पास एक्स, तो मेरे पास फॉर्म बन गई एक्स माइनस बी, बी कितना है, सेवन बाय फोर होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड को हम सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करते जाएंगे, सेवन बाय फोर होल स्क्वायर दैट इज 49 बाय 16। अब पहले हम इस साइड को एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 और 16 का आ गया 16, 16 को 2 के साथ डिवाइड किया 8 आ जाएगा, और 8 को ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 24 प्लस 49 एज इट इज आ जाएगा, हमारे पास आ गया 49 माइनस 24 दैट इज 25 ओवर 16। ये हमारा राइट हैंड साइड पे आंसर आ गया। हमारे पास अब जो इक्वेशन बनी वो x माइनस 7 बाय 4 होल स्क्वायर दैट इज 25 बाय 16। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्केयर है, इसका पहले स्केयर हटाएंगे तो दैट मीन्स दूसरी साइड रूट बन जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए 7 बाय 4 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। सो मेरे पास जो इक्वेशन बनी दैट वाज x माइनस 7 बाय 4 होल स्केयर इज इक्वल टू 25 बाय 16। तो पहले सबसे पहले स्केयर रूट हम रिमूव करेंगे, तो हमारे पास स्केयर हट के दूसरी साइड स्केयर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 बाय 16 का स्केयर रूट। और क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो होता है, जब भी हम किसी स्केयर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, तो हमारे पास जो रूट निकाल के हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, मतलब दोनों साइड हम कंसिडर करेंगे। रीजन ये है कि अगर उस वैल्यू का स्केयर, नेगेटिव वैल्यू का स्केयर भी कर दिया जाएगा तब भी हमारे पास सेम चीज ही बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 25 का रूट बन गया 5 और 16 का रूट बन गया 4। तो इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 7 बाय 4 की, एक प्लस 5 बाय 4, और दूसरी हमारे पास x माइनस 7 4 की जो सेकंड वैल्यू वो बनी माइनस 5 बाय 4। तो अब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इनमें से, और x की वैल्यू निकाल के वो दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 बाय 4, 7 बाय 4 को शिफ्ट किया प्लस 7 बाय 4, हियर x इज इक्वल टू 4 एलसीएम 5 प्लस 7, सो x इज इक्वल टू 12 बाय 4 दैट इज 3। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। इसी तरह दूसरी साइड इसे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 4 प्लस 7 बाय 4, 7 बाय 4 को उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 एज एलसीएम माइनस 5 प्लस 7 दैट इज 7 माइनस 5 2 बाय 4। तो x की जो दूसरी वैल्यू बनी 2 बाय 4 दैट इज 2 वन द 2 2 टू द 4, सो x इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो हमारे पास दोनों रियल वैल्यूज हैं, दैट मीन्स इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो x की जो दो वैल्यूज आई वो हमारे पास कौन सी होगी, 3 एंड हाफ। सो दिस इज द कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। थोड़ा लेंथी है इसलिए मैंने इसे स्टेप्स में डिवाइड किया। नाउ इन सेकेंड पार्ट इक्वेशन इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इक्वेशन हमें दी गई है। तो यहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो था डिवाइड द इक्वेशन बाय कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, 2, तो दैट मीन्स पूरी इक्वेशन को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना। सो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x ओवर 2 माइनस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2, 0 रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, हाफ इंटू x, और यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या था, सेकेंड स्टेप में था हमारे पास
move the constant term on the right hand side, mark this equation as 1. This constant term हमारी क्या है यहाँ पे 2. तो अब हमने 2 को shift करना है right hand side पे. हमारी equation बन गई x square plus half x is equal to, अब 2 is a negative है उधर 0 plus 2, 2 हो जाएगा. और इस equation को हमने mark कर दिया number 1. Second step is done. Now third step. थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है. थर्ड स्टेप में टेक कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, देन स्क्वायर इट, एड दिस रिजल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1. अब हमने x के कोफिशियंट को यूज करके उसका हाफ करके स्क्वायर करके उसे हमने अपनी इस इक्वेशन के दोनों साइड प्लस कर देना. मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1 को. अब हमें चाहिए x का कोफिशियंट. सो टेक कोफिशियंट ऑफ x, उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हाफ से, उसका हाफ कर देना है, देन स्क्वायर. तो अब मेरे पास जो x का कोफिशियंट है दैट इज हाफ, पॉजिटिव हाफ है, दैट इज इक्वल टू हाफ. हाफ मेरे पास कोफिशियंट है, मल्टीप्लाई भी उसे हाफ के साथ कर दिया, देन स्क्वायर. तो ये बन गया 1/4 होल स्क्वायर. अब ये जो नंबर बना इसे हमने कहाँ प्लस करना है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस, अब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स है उसमें हमने ये वाला नंबर प्लस कर देना 1/4 होल स्क्वायर. इसी तरह राइट हैंड साइड पे 2 है, 2 में भी 1/4 होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा. यहाँ पे हम स्क्वायर खोल के इसे यूजिंग एलसीएम सॉल्व करना शुरू कर देंगे और इस साइड को अब हम अपनी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे. अब क्योंकि बीच में पॉजिटिव ही है, तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास अब स्टेप 4 है. हमारे पास हमने कंपेरिजन करना है, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय. तो यहाँ पे हमारे पास कंपेरिजन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव टर्म्स और ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर होता है ए प्लस बी होल स्केयर के इक्वल. फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हमें ए बी मिलेगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म किसका स्केयर है, एक्स का स्केयर, और थर्ड टर्म 1/4 का स्केयर. इट मीन्स मैं साइड पर लिख रही हूँ ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास कितना है 1/4. तो इट मीन्स ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर की फॉर्म दी है, तो इसे किसके इक्वल लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्केयर. ए की जगह पे हमारे पास एक्स प्लस बी की जगह पे 1/4 इट्स होल स्केयर. अब राइट हैंड साइड हमारे पास 2 प्लस इधर स्केयर कर दिया 1 स्केयर 1 4 स्केयर 16, हमारे पास वैल्यू आ गई 16 एज एलसीएम, 16 to the 32 प्लस 1. तो हमारी जो इक्वेशन की वैल्यू बनी x माइनस 1/4 होल स्केयर इज इक्वल टू 33/16. तो अब इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. सबसे पहले स्केयर रिमूव करेंगे, दैट विल बिकम स्केयर रूट ऑन अदर साइड. सो इट इज x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 33/16 अंडर रूट. अब इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होगी, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. तो जब हमने इसे सॉल्व किया हमारे पास बना x माइनस 1/4 इज इक्वल टू, अगर न्यूमिरेटर देखें 33 का रूट पॉसिबल नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट में, और नीचे 16 है, 16 का रूट 4, तो प्लस माइनस बोथ साइन वी विल कंसीडर. तो इट मींस हमारे पास जो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस बन गई, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ. एक इक्वेशन बनी पॉजिटिव अंडर रूट 33 ओवर 4 और दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही है x माइनस 1/4 इज इक्वल टू, दूसरी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू माइनस अंडर रूट 33 ओवर 4. दो पॉसिबल इक्वेशंस बन गई. अब पहले x माइनस 1/4 मैंने पॉजिटिव के इक्वल कर दिया, फिर x माइनस 1/4 को मैंने नेगेटिव वैल्यू के इक्वल कर दिया. अब सिंपल दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यूज पॉसिबल आ जाएंगी. तो यहाँ पे अंडर 33/4, 1/4 शिफ्ट किया नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास बन गई वैल्यू x इज इक्वल टू 4 एलसीएम अंडर 33 प्लस 1. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. अब इन्हें फर्दर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये रूट में है नंबर और इसे हम इंटीजर में प्लस नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे हमारे पास
माइनस अंडर 33 बाय 4 है, तो अब इसे हमने शिफ्ट किया, ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 बाय 4, और ये उधर प्लस हो गया 1 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4 एलसीएम माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1। तो हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक आ गई अंडर रूट 33 प्लस 1 बाय 4 और दूसरी वैल्यू आई माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1 ओवर 4। So these two are the required solutions of given quadratic equation. So this is the second part. Okay, third part. जैसे हम अभी completing square के steps apply कर रहे हैं, ये question उसमें way में भी हो सकता है और इसे एक और easy way में भी ये हो सकता है। इसका already जो हमारे पास जो form दी हुई है इस equation की, वो हमारी a square plus 2ab plus b square के साथ compare करें तो बिल्कुल same वही form बनी हुई है। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2x होल स्केयर, 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 होल स्केयर, और जो सेंटर वाली टर्म बनती है वो 2 को a और b से मल्टीप्लाई करके बनती है। 2 इंटू a हमारे पास 2x, b हमारे पास अंडर रूट 3। तो दैट मीन्स अगर हम इन्हें सॉल्व भी करें तो 2 टू द 4x स्केयर बन जाएगा, 2 टू द 4 3 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3x भी बन रहा है और अंडर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास ये वाली फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दी हुई थी, तो दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन में जो दिया गया है वो है अंडर रूट और 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्केयर भी है, 2 इंटू ए इंटू बी भी है और बी स्केयर भी है, ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर। दैट मीन डायरेक्टली हमारी इक्वेशन ए प्लस बी होल स्केयर में कन्वर्ट हो रही है, हमने स्केयर ही कंप्लीट करना था तो ए प्लस बी होल स्केयर बन रहा है। तो इसमें हमें वो सारे स्टेप्स फॉलो ना भी करें तो भी हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आप सेम वे में जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया है उस वे में भी सॉल्व करो तो तब भी ये इक्वेशन ईजिली सॉल्वेबल है। तो अब यहाँ पे मेरे पास बन गया ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर मेरे पास है 2x स्केयर, दैट मीन्स ए मेरे पास है 2x अगर टर्म्स को कंपेयर करें, और लास्ट मेरी है बी स्केयर, बी अंडर 3 का स्केयर है तो दैट मीन्स बी हमारे पास है अंडर 3। तो इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनी, ए प्लस बी होल स्केयर दैट इज 2x प्लस बी दैट इज अंडर 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस अंडर 3 होल स्केयर स्केयर है, दैट मीन्स इसे टू टाइम हम लिख सकते हैं, 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, और फैक्टराइजेशन हो गई, इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, सो इट इज 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल ले लिए। सो यहाँ से हमारे पास 2x आ गया, अंडर 3 शिफ्ट किया उधर माइनस अंडर रूट 3, और x के लिए 2 शिफ्ट किया मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेगा माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। इसी तरह सेकेंड साइड सेम इक्वेशन है तो सेम वे में सॉल्व हो जाने हैं, ये x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज जो सॉल्यूशन आए x इक्वेशन के दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल रूट्स बन गए हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के साथ पूरी इक्वेशन डिवाइड करनी थी, 2 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हमने, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x, 4 और 2 की कटिंग हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे लेके जानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x इज इक्वल टू माइनस 2। थर्ड स्टेप में हमने एक्स का कोफिशिएंट लिया, उसे हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया और देन स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास था हाफ और मल्टीप्लाई भी किया हाफ के साथ होल स्केयर, दैट इज 1 बाय 4 होल स्केयर। अब इस नंबर को हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन की दोनों साइड ऐड कर देना है, सो एडिंग 1 बाय 4 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होंगे एक्स स्केयर प्लस हाफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड यही थी हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस हाफ एक्स, इसमें प्लस कर दिया 1 बाय 4 होल स्केयर। इसी तरह राइट हैंड साइड पे माइनस 2 है, उसमें प्लस कर दिया 1 बाय 4 होल स्केयर।
तो अब लेफ्ट हैंड साइड फोर्थ स्टेप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल है. सो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगी, ए प्लस बी होल स्केयर. तो दैट मीन्स हमें ए और बी पता होना चाहिए. ए हमारे पास एक्स और बी हमारे पास वन बाय फोर, तो ए यहाँ पे एक्स है, बी इज इक्वल टू वन बाय फोर. नाउ दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन गई, ए प्लस बी होल स्केयर, एक्स प्लस वन बाय फोर होल स्केयर, एक्स प्लस वन बाय फोर होल स्केयर. और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाय फोर वन स्केयर वन, फोर स्केयर सिक्सटीन, एलसीएम सिक्सटीन, माइनस थर्टी टू प्लस वन. तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन बाय फोर होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन बाय सिक्सटीन. तो अब यहाँ से हम अगर स्केयर रिमूव करते हैं, सो एक्स प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस थर्टी वन बाय सिक्सटीन. और यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करूँगी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है इक्वेशन की वो रूट में एक नेगेटिव नंबर है, और रूट में अगर नेगेटिव नंबर कोई आ जाता है, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर माइनस में है, यानी इंटीजर रूट के अंदर अगर माइनस में है, देन इट इज नॉट रियल. तो ये रियल वैल्यूज नहीं होती, ये कम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं जो आपने हायर स्टडीज में जाके आगे पढ़नी है. तो दिस इज नॉट रियल. तो दैट मीन्स के अभी हम रियल रूट्स की बात करते हैं, दैट मीन्स के इस इक्वेशन के, जिस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू बन रही है रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है जो कि रियल नहीं है. दैट मीन्स इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, देयरफॉर रूट्स ऑफ given equation do not exist. तो अगर exist नहीं करते तो फिर हम उन्हें find भी नहीं कर सकते. So here it was the first part of your exercise 4.2. I hope you understand all the steps of this method. In case any problem is there, please tell me in comment box so that I can clear your doubts. So don't hesitate, ask me frankly. Okay, and this is enough for your today's lecture. Okay, thank you and have a